अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किचन क्लीनिंग की रूटीन। तो सुबह के टाइम जो है वो किचन काफ़ी बिखरा होता है, जब सब नाश्ता करते फारिग हो जाते हैं उसके बाद ही किचन की सफाई होती है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी काउंटर्स को क्लियर करना। तो सबसे पहले मैं इस काउंटर को क्लियर करूँगी, तो चलें शुरू करते हैं। अब मैं ये प्याज लहसुन और आलू उठाऊंगी यहाँ से, और ये जो टोकरी इनके लिए वॉश हुई थी कल उसमें डाल दूंगी। पहले इसको अरेंज करूंगी। तो मैं इस बास्केट में डालने लगी हूँ ये पेपर, सब तीनों पार्ट्स में डाल दूंगी, क्योंकि फिर इससे जो प्याज वगैरह छिलके वगैरह नीचे गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे। टोकरी में अब मैं यहाँ से कचरा उठा लूँगी और टोकरी को उसकी जगह पर रख दूँगी। तो अब करते हैं काउंटर को क्लियर। तो ये काउंटर हो गया है क्लियर, सब चीज़ें यहाँ से उठा के यहाँ से साफ़ कर दिया है। अब नेक्स्ट काम करना है, और नेक्स्ट है यहाँ से इस एरिया को साफ़ करना है। इसे मैं सिंपल डिश वॉशिंग सोप से ही साफ़ करूँगी। तब ये काउंटर साफ़ करना है, तो पहले मैं ये रोटियों के रुमाल यहाँ से उठा लूँगी, ये धोने वाले हैं, इनको मैंने बाद में धोना है लास्ट में। राजमा यहाँ पे भिगो के रखा है, तो काउंटर को साफ़ करके राजमा साइड पे रख दूँगी। अब ये काउंटर भी साफ़ हो गया है, राजमा मैं यहाँ पर रख दूँगी, तो यहाँ तक सफाई हो गई है। अब मैं ये पूरा एरिया क्लियर करूँगी, उसके बाद मैं ये बर्तन वॉश कर दूँगी। और बर्तन वॉश करने के बाद ये जो सब कपड़े हैं सफाई वाले, ये सब मैं सर्फ से वॉश करूँगी।
काउंटर भी क्लियर हो गया है, इसके साथ ही मैंने टोकरी में से सब बर्तन भी खाली कर लिए हैं और अब ये बर्तन धोने की बारी है। सब ये दो चीज़ें रह गई हैं वॉश करने वाली। हाँ, तो जो रोटियों के रुमाल थे वो और डस्टिंग के कपड़े मैंने धो दिए हैं, अब बस ये फर्श धोने का काम रह गया है। तो अभी मैं आपको धोने के बाद दिखाती हूँ। तो फर्श मैंने धो लिया है, ये मैंने यूज़ किया है फर्श को धोने के लिए। धो के मैंने वाइपर लगा दिया है, कुछ देर बाद ये सूख जाएगा। तो ये ऊपर से भी सारा कुछ क्लियर कर दिया है, सब साफ़ हो गया है।